कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। आज की हमारी रीडिंग रहेगी कैंडल वैक्स रीडिंग, यानी कि पूरी तरीके से हम देखने वाले हैं आज आप सबके लिए, आपके लिए, आपके लिए हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आज की रीडिंग बहुत ही स्पेशल रीडिंग होने वाली है। स्पेशल तो हर रीडिंग होती है हमारी, लेकिन ये हम लोग काफ़ी टाइम के बाद कर रहे हैं, तो स्पेशल रीडिंग होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज जो है हम कुछ इस तरीके की रीडिंग करने वाले हैं, या कहें तो इट जस्ट अ मिनट, कैंडल की वजह से वो जल ना जाए, है ना, तो वो थोड़ा सा देखना होता है। तो चलिए, आज की रीडिंग का टॉपिक मैंने आपको बता दिया, और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है। जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपने लाइफ से थर्ड पार्टी को निकालना चाहते हो, आप लव मैरिज करना चाहते हो, या आपके लाइफ में आपकी इंगेजमेंट हो गई है फिर मैरिज नहीं हो पा रही है, उनसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस चीज़ के लिए हम रेमेडी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए हमारे पास स्पेशल रेमेडी है। मैं ब्रेसलेट के साथ साथ, ब्रेसलेट जिसका उतना ज़्यादा वर्क नहीं कर पाता है उसको मैं रेमेडी प्रोवाइड करती हूँ, और चाहें तो आप डायरेक्ट रेमेडी भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट करना होगा दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। ठीक है, आपकी जो भी परेशानी है, थर्ड पार्टी को रिमूव करना है अपनी और आपके पार्टनर की लाइफ से, उसके लिए रेमेडी है। आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी रेमेडी है, और अगर आपकी शादी नहीं हो रही है आपके पार्टनर से, तो उसके लिए भी रेमेडी है हमारे पास। ठीक है, वो रेमेडी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए चार्ज लगेगा, और चार्ज जो है आप जैसे जैसे देंगे वैसे वैसे आपका काम होता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं, रेमेडी को यूज़ करना चाहते हो, ज़रूर ज़रूर और 100% रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर। ठीक है, आप अपनी प्रॉब्लम को लिख के शेयर कीजिए, और हम आपको बताएंगे कि क्या चार्जेस लगेंगे उसकी, या कितने दिन में आपका काम बनेगा, या कैसे क्या करना होगा। ठीक है, सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे बता दी जाएंगी। तो अगर आपको चाहिए तो आप लोग ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। चलिए करते हैं हम रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं कि क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स या आपके पार्टनर की सोच। ठीक है, तो कैंडल बहुत जल्दी पकड़ लिया, लगता है आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक पावर में है। ठीक है, चलिए, गाइड करें। आई थिंक अब दिख रहा होगा, है ना, कैंडल जो गिर रहा है, थोड़ा सा इसका कलर हल्का है। ठीक है, लाइट कलर है, इसके वजह से आपको हो सकता है ना दिख रहा हो अच्छे से। आपके पार्टनर की थिंकिंग मैं देखूं तो आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये आंख चुरा रहे हैं आपसे, यानी कि नज़रें मिलाने के काबिल ये पर्सन नहीं है। इस पर्सन को सोच के लग रहा है कि मैं नज़रें तक नहीं मिला सकता उससे, मैं नज़रें मिलाने के काबिल भी नहीं हूँ उसके। जिस तरीके से वो मुझे फील कर रही है, या जिस तरीके से वो मुझे फील कर रहा है ना, मैं नज़रें मिलाने के काबिल भी नहीं हूँ। आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी हाई है, काफ़ी ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी को फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदर से वो तकलीफ़ें, वो दर्द, वो एक होता है ना कि तकलीफ़ें और दर्द मुझे ये पर्सन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखता है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स या बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं जिसको लेकर के आपके पार्टनर अपने आप में तन्हा हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोनों एक डिवाइन काउंटर पार्ट में हो, जिसकी वजह से आपको और आपके पार्टनर को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, या शायद आप अभी फ़िलहाल रेडी नहीं हो इनके साथ आने के लिए। ठीक है,
इसलिए ये पर्सन अगर आपको मैसेज करने के बारे में सोच भी रहे हैं, एक तरफ इनका हाथ जा भी रहा है आपको मैसेज करने का या कॉल करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने उस हाथ को, अपने उस उंगली को रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, इतनी जल्दी नहीं, है ना, तुम नहीं करोगे। ऐसा इनके अंदर की भावना, इनके अंदर की फीलिंग्स आ रही कि नहीं, तुम नहीं करोगे, जब करेगा तुम्हारा पार्टनर करेगा और वो करेगा तो तुम बात कर लेना, है ना। आपके पार्टनर के अंदर मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि इनके अंदर एक जो होता है ना कि जैसे होता है ना कभी कभी ये इतनी हद कर देते हैं कि जैसे कि बेशर्मी की हद हो जाती है ना। ये आप खुद समझ लो मैं क्या कहना चाहती हूँ। जैसे कि होता है ना कि 100 मन चूहे खा के बिल्ली चली हज को, है ना, तो वो वाला हाल कर देते हैं आपके पार्टनर, सब कुछ कर देते हैं ये और ब्लेम कर देते हैं आपको, है ना, कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ, तुमने ही जो किया है सो किया है, ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। अच्छा, मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि आपके पार्टनर दो लोगों में कन्फ्यूज़न में है। एक तो थर्ड पार्टी का एनर्जी मुझे दिख रहा है, थर्ड पार्टी की एनर्जी दिख रही है जो कि इनसे दूर जा कर के फिर बार 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 कनेक्ट हो जाती है, और जब थर्ड पार्टी कनेक्ट होती है तब आपके पार्टनर जो हैं आपसे एक तरीके से देखा जाए तो दूर नहीं हो पाते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, वो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर दूर नहीं हो पाते हैं आपके लिए, और मुझे दिखता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा, एक अच्छी सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, एक अच्छी सी फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे क्लियरली नज़र आ रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के थोड़ा सा एक होता है ना कि डीपली थिंकिंग करना, है ना, तो वो डीपली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर के अंदर कि आपके पार्टनर डूब करके सोचना चाहते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन अपने बातों से आपको जीतना चाह रहे हैं। ये पर्सन की थिंकिंग ऐसी है कि पहले जो आप ट्रस्ट, है ना, आपका ट्रस्ट ये पर्सन को जीतना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इस पर्सन के ऊपर जब जब आप ट्रस्ट किए हो, है ना, तब तब इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया है, चाहे वो जिस रूप में तोड़ा हो बट इस पर्सन ने वो ट्रस्ट तोड़ दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको कई बार जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या कई बार जो है ना आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके पार्टनर ने आपको एकदम से होता है ना कि हम अंदर ही अंदर फील करने लगते हैं कि यार ये बंदा चाहता क्या है हमसे, है ना, आप अपने पार्टनर की चाहत को नहीं समझ पा रहे हो, आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हो, आप अपने पार्टनर की एनर्जी को नहीं समझ पा रहे हो, लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर ने आपके साथ कर क्या दिया है, ठीक है, तो वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपके और आपके पार्टनर के बीच की फीलिंग्स या आपके पार्टनर के इमोशंस मुझे क्लियरली दिख रहे हैं कि यस, आपके पार्टनर मुझे काफ़ी ज़्यादा अंदर से कमज़ोर फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अंदर से काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन को फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको एक होता ना कि जैसे कि कभी कभी बोझ समझने लगने, है ना, कभी कभी बोझ समझने लगना, तो वो आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन कभी कभी आपको बोझ समझने लगते हैं, ये सोचते हैं कि यार ये रिलेशनशिप ही बोझ है, इसको कौन ढोएगा, कौन क्या करेगा, क्यों करेगा कोई, है ना, तो वो एनर्जी मुझे फील होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के अंदर एक अटूट सा भरोसा, एक अटूट सा विश्वास मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं जो एक होता है ना कि जो एक तकलीफ़ या जो एक भरोसा जो है ना वो टूटते हुए, वो छूटते हुए वो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के एक होता है ना कि लाइफ को स्टेबल, है ना, लाइफ को स्टेबल होना, लाइफ को इंजॉय करना, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के अंदर। देखो इस रिलेशनशिप को लेकर के आपके पार्टनर की भी गहरी भावनाएं हैं, फीलिंग्स तो काफ़ी ज़्यादा डीप हैं, लेकिन
इस पर्सन के अंदर मैं ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं अभी फ़िलहाल। ये पर्सन मेन है ना कि ये पर्सन अपने ऊपर, एक होता है ना कि शादीशुदा पर्सन की लाइफ कुछ अलग हो जाती है या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले कर चलना पड़ता है, तो आपके पार्टनर उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना ही नहीं चाहते हैं, ये पर्सन अपने आप से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर की हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं आजकल, जैसे कि कमर में दर्द, सर में दर्द है ना, इनका बैक पेन होना, ये मुझे दिख रहा है या ये आपके अंदर भी हो रहा होगा। देखो आप, आपके अंदर की मैं फीलिंग्स में देखूं, मैं आपकी बात कर रही हूं, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी, कि आपके अंदर की भावनाएं ऐसी आ चुकी हैं कि अगर ये पर्सन आपको आज के आज कहेंगे कि हाँ चल तू मुझसे शादी कर ले, तो आप आज के आज रेडी हो जाओगे, ठीक है। बट ये पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं है, वो पावर ही नहीं है, तो मन ही मन कहीं ना कहीं आपके अंदर से गालियाँ भी निकल रही हैं। आपके अंदर से कहीं ना कहीं वो गालियाँ, और एक होता है ना कि अंदर ही अंदर एक तरीके से टूट करके बिखर जाना, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के अंदर। आपके पार्टनर अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा खामोश सी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खामोश चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खामोश होते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। और खामोश अगर ये पर्सन हो गए तो समझो कि गया इनका, है ना। तो वो एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है कि यस, ये जो पर्सन है ना खामोश रह करके ही आपको देखना चाहते हैं, या कहें तो ये नहीं चाहते हैं कि पहला स्टेप ये पर्सन ले, क्योंकि कई बार होता है ना कि ये पर्सन पहला स्टेप इनको ही लेना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप ये सोच करके नहीं करते हो इनको कॉल या मैसेज, या फिर इनसे बात नहीं करते हो, क्योंकि इनको मतलब ये लगता है ना, पकड़ में आ जाता है कि कोई कौन सा पर्सन क्या चाहता है हमें, है ना। आपको लग जाता है कि ये पर्सन आपके कॉल का, मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आप इनको कॉल मैसेज या इनके जो भी है मैसेजेस, है ना, इनको नहीं करते हो। और ये पर्सन कई बार आपको बोल भी चुके हैं कि जब मैं कॉल करूँगा तभी तुम बात करोगी या बात करोगे, तुम्हें तो कॉल की पड़ी ही नहीं है, तुम्हें तो मैसेज की पड़ी ही नहीं है, तुम्हें तो कोई शौक ही नहीं है मेरे साथ आने का, है ना। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर के अंदर मुझे एक अलग सी एनर्जी दिखाई दे रही है, आपके आपके पार्टनर के अंदर एक अलग सी भावनाएं मुझे दिखाई दे रही हैं कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वो, एक होता है ना जैसे कि खालीपन सा, अधूरापन सा, है ना, वो तो फील करते ही करते हैं, लेकिन इनको अफसोस भी होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि आपने इनको कई बार इनको बोल भी दिया है कि देखना तुम मेरे, मैं जब चली जाऊंगी ना या चला जाऊंगा ना, तुम बहुत रोओगे, है ना। तो वो अफसोस जो है ना इनको दिखाई दे रहा है कि यस, इनको फील होता है कि वाकई में ये आपके बगैर रोएंगे ज़रूर, आपके बगैर तन्हा फील ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, मुझे दिखता है कि ये पर्सन कई बार आपको, आपका ट्रस्ट तोड़ चुके हैं, या कई बार आपको बोल चुके हैं कि यार मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, है ना, ये वाला ही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं या ऐसा सोच रहे हैं कि इनको अब इस महीने के आखिरी तक कम से कम कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ डिसीज़न ले लेना चाहिए, कुछ ना कुछ इनको बताना चाहिए, कुछ ना कुछ इनको ये करना चाहिए, जिसे कहते हैं ना कि बताना चाहिए या बता करके, है ना, रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिसीज़न, स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर के। आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा अंदर से एक खुलापन, खालीपन,
ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के, आपके इमोशंस को लेकर के, ये जिस तरीके से खेल रहे थे, है ना, उस तरीके से खेलते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वो एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है कि यस, ये जो पर्सन है ना आपके साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आपको लेकर के एक अपने अंदर जो भावनाएं होती है ना, तो वो करते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर जो है, एक तरीके से देखा जाए ना, तो आपके पार्टनर जो है ना बहुत ही ज़्यादा खुल के, एक होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा खुल के इंजॉय करना या खुल के जो है ना बातें करना, वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि इस पर्सन जो है ना ये करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। खुल के बातें करना या खुल के इंजॉय करना, है ना, वो करते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए, ये पर्सन अपने दोस्तों के साथ काफ़ी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके बारे में, और ये पर्सन अभी भी फ़िलहाल किसी ना किसी से फ़ोन पे बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप दोनों की फीलिंग्स या इमोशंस रही हैं, है ना, वो इनको बार बार दिल दुखा रहा है ना, इनका दिल दुख रहा है, इनको तकलीफ़ हो रही है कि आपके साथ जो जो भी घटनाएं हुई हैं या जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं वो वर्थ नहीं है। ठीक है, तो ये पर्सन उस बारे में बातें करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके बारे में। आपके पार्टनर अपनी मजबूरियों के बारे में भी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि फैमिली को अपनी मजबूरी बताते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फैमिली कुछ ऐसा कर रही हो या कुछ ऐसे रोड़े खड़े कर रही हो जिसकी वजह से आप दोनों की शादी नहीं हो पा रही है ना, तो उसके बारे में भी ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच समझ करके बातें कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। काफ़ी सोच समझ करके, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग रख करके जो है ना ये पर्सन आपसे बातें कर रहे हैं, क्योंकि देखो आपके पार्टनर जो है जिससे भी बातें कर रहे हैं ये कह ज़रूर रहे हैं कि यार मुझे बातें करनी चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे उससे बातें करनी चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे उससे एक बार पूछना चाहिए कि वो कैसी है, क्या कर रही है, किस तरीके से फील कर रही है, या किस तरीके के उसके साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो सही हैं कि नहीं हैं, या क्या है आखिरकार। ठीक है, तो वो एनर्जी मुझे फील होती हुई दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे कहीं ना कहीं बहुत सारे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो कि आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में चलती हुई क्लियरली दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ये पर्सन अक्सर आपके सपने भी देख रहे हैं। ये पर्सन को फील हो रहा है, ये पर्सन अक्सर आपके सपने भी देख रहे हैं। ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यस, जो जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो कहीं ना कहीं वो मुझे याद कर रही है या कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे उसकी इतनी ज़्यादा याद आ रही है, या उसके लिए मुझे इतनी ज़्यादा फीलिंग्स आ रही हैं, उतने ज़्यादा इमोशंस आ रहे हैं उसके लिए। पहले नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब अचानक से इतना ज़्यादा फील क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा याद क्यों आ रहा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत प्रॉब्लम दिख रही है, और प्रॉब्लम की जड़ जो है ना यहाँ पे ख़त्म ही नहीं हो रही है। प्रॉब्लम की जड़ यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मतलब प्रॉब्लम ख़त्म होना है ना, एक तरीके से इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम है ना इनके सामने, वो प्रॉब्लम ही बहुत बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि अपने मजबूरियों को बताते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने दोस्तों से, और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि इनके दोस्त का फर्स्ट लेटर होगा, इनके नेम, उनका नेम का फर्स्ट लेटर एस से शुरू हो सकता है या भी से शुरू हो सकता है। ठीक है, ये ज़्यादा लोगों की एनर्जी में दिख रहा है कि एस या भी से जो है ना, आर से भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन के दोस्त का नाम है जिनसे ये पर्सन शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
आपके और आपके पार्टनर के बीच मुझे एक ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है जो कि दिखाई दे रही है प्लानिंग की, ठीक है। ये पर्सन अभी फ़िलहाल प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग किसका? तो प्लानिंग यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के बीच में जो होने वाला है या जो हुआ है ना, उसको ये पर्सन प्लान कर रहे हैं। उसके साथ ये पर्सन प्लान कर रहे हैं कि इनको क्या करना है, या इनको पूरी तरीके से आपको छोड़ देना है, या इनको पूरी तरीके से आपको अपनाना है, ठीक है। क्योंकि छोड़ना और अपनाना दोनों अलग अलग बातें हैं, है ना। तो यहाँ पे इस पार्टनर को, आपके पार्टनर को डिसीज़न लेना होगा। आपके पार्टनर को डिसीज़न ले करके अपने अंदर बदलाव करना होगा। डिसीज़न ले करके इनको बोलना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि यस, ये जो पर्सन है, ये जो कर रहे हैं, ये सही तरीके से कर रहे हैं और सही वाली एनर्जी या सही वाली फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। सॉरी, लाइट थोड़ा सा वो हो जा रहा है थोड़ा सा मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, आपके लिए काफ़ी कुछ ट्राई करने वाले हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो चलिए कुछ अलग से एनर्जी को हम देखने वाले हैं, यानी कि कुछ अलग से एनर्जी, यानी कि अभी फ़िलहाल टैरो कार्ड से भी देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स में, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, आप दोनों की मुलाकात हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन जो है ना, यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं। आप दोनों की नाइट में ही मुलाकात होगी, जब होगी तो कुछ अचानक से प्लान बन सकता है। हेल्दी सेक्सुअलिटी का कार्ड आया है, जो कि बता रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि इनको आपके साथ रिलेशनशिप बनाना है, जो कि फिज़िकल रिलेशनशिप होगा और बहुत ही बैलेंसिंग, बहुत ही प्यारा सा एक तरीके से साथ। आपके एहसास को ये फील करना चाहते हैं, आपको अपनी बाहों में भरना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, इस पर्सन की फीलिंग्स मुझे क्लियर दिखाई दे रही है कि यस, ये जो पर्सन है ना, आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर चुके हैं और आपके साथ करना चाहते हैं। जो लोग अभी सेक्सुअली एक दूसरे को नहीं फील कर पाए हैं, या आप दोनों फिजिकल नहीं हुए हो, तो आपके पार्टनर का ये थॉट है कि आपके साथ फिजिकल होंगे तो क्या क्या करेंगे, या किस तरीके से बचाव करके कैसे कैसे करेंगे, ठीक है, आपको महसूस करेंगे या क्या करेंगे, ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। देखो, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, थोड़ा सा इनको अपने आप में भी कमी दिखाई दे रही है। इनको लग रहा है कि शायद जो है ना, मैं किसी की फीलिंग्स को नहीं समझ पाता हूँ, क्योंकि मैं खुद को नहीं समझ पाता हूँ, ठीक है। ये पर्सन खुद को नहीं समझ पाते हैं शायद, इसकी वजह से थोड़ा सा ये अपने आप को भी समझना चाहते हैं और इनको लग भी रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जो है, आपके पार्टनर को जो है ना, बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है, और क्योंकि आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, है ना, तो ये पर्सन याद करेंगे ही करेंगे। इनको फ़र्क पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, अभी भी फ़िलहाल फ़र्क पड़ रहा है कि आपका और आपके पार्टनर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी आगे जा सकता है, ठीक है। अगर ये पर्सन टाइम पे एक्शन ले ले, या टाइम पे अपनी फीलिंग्स को आपसे बता दे, तो ठीक है। मुझे लगता है कि इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा पास्ट में जो है ना, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी हैं, और मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है, कुछ चीज़ें जो है ना, नहीं कर पाए हैं अभी तक अपनी लाइफ में। तो ये पर्सन का दिख रहा है कि यस, ये जो पर्सन है ना, ब्लाइंडली तरीके से है ना, जो चीज़ें कर रहे थे वो नहीं करेंगे अब। और मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन पास्ट में कर चुके हैं, ब्लाइंड रह करके बहुत कुछ खो चुके हैं, जो कि इस पर्सन का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा है। और अब जो है, ये पर्सन सारी चीज़ों को देख करके, समझ करके, सोच करके, फील करके, है ना, तब ये पर्सन आपके तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मुझे पूरी तरीके से एनर्जी में यही फील होता हुआ दिखाई दे रहा है, यही एनर्जी दिखाई दे रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच की, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।